बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर एडीएम प्रशासन ने धामपुर तहसील का औचक निरीक्षण कर दिए उचित दिशा निर्देश। धामपुर तहसील के एडीएम प्रशासन विनोद कुमार गौड़ ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील के सभी कक्षों को देखा, फाइलों का अवलोकन किया और तहसील में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। साथ ही जनता की समस्याओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील में स्थित मीटिंग हॉल, लेखपाल कक्ष, खतौनी कक्ष, राजस्व कानून गो कक्ष, कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अमीनों द्वारा एक साल से वसूली न करने पर गहरी नाराजगी जताई तथा वसूली न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस मौके पर एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, तहसीलदार रमेश चंद चौहान सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बाद नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। बिजनौर एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। सर, आज धामपुर तहसील का निरीक्षण किया, क्या खामियां पाई? तहसील धामपुर में वार्षिक मुआयने के लिए आया हुआ हूं। इसमें सभी न्यायालयों की जांच कर रहा हूं। उसमें डिस्पोजल किस प्रकार का है, तो हमने तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार धामपुर के न्यायालय, उनका हमने देखा है। उसमें कुछ पत्रावलियाँ जो काफ़ी समय से लंबित हैं, उनके स्थिति डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो पत्रावलियाँ अन्यथ कारणों से काफ़ी समय से लंबित हैं, उनको कुछ डिस्पोजल करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा संग्रह विभाग के कुछ आशीष हमारी बहुत पुरानी पड़ी है, जिनकी वसूली हम लोग को कर देनी चाहिए। इसके अंदर उसकी वसूली हुई नहीं है, तो उसको निर्देशित किया कि जैसे जितने भी अमीन है उनका स्पष्टीकरण लेते हुए उन सभी आशीष को वसूली सुनिश्चित कर दी जाए। बाकी जो जनरल है, साफ सफाई की व्यवस्था और सब कुछ, वो बहुत अच्छा है यहाँ।